अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करने वाले हैं इस कार्ड में है साल रैंडमली पिक अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड तो प्लेइंग जो जो कार्ड है कार्ड्स के बारे में ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है तो कार्ड टोटल कार्ड कितने होते हैं इसकी टाइप्स कितनी हैं ये इस क्वेश्चन करने से पहले अगर हम वो इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन जैसा मर्ज़ी आ जाए हमारे लिए वो सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा तो पहले हम इस कार्ड्स के जो इनकी तादाद इनकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में सीख कार्ड जिसको उर्दू में ताश के पत्ते भी कहते हैं ताश ये टोटल कार्ड्स 52 होते हैं तो इस 52 में से 26 कार्ड रेड होते हैं और उसमें से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं आगे फिर इनकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख। तो इन जो रेड 26 होते हैं ना इसमें से 13 डायमंड होते हैं और थर्टीन हार्ट होते हैं थर्टीन और थर्टीन मिलके ट्वेंटी सिक्स होते हैं जो डायमंड होता है ये डायमंड किस तरह का बना होता है इस टाइप का होता है इसको ईंट भी कहते हैं ईंट और हार्ट हार्ट के बारे में भी आपको पता ही होता है कि ये हार्ट नॉर्मल हम बनाते रहते हैं ये इस तरह का हार्ट होता है थर्टीन डायमंड होते हैं थर्टीन हार्ट होते हैं अब इसमें ब्लैक के अंदर दो जो टाइप्स होती हैं क्लब और स्पैड थर्टीन ये होते हैं और थर्टीन ही ये होते हैं अब देखिए फिफ्टी टू में से पहले दो टाइप्स होगी रेड और ब्लैक की अब रेड की आगे दो टाइप्स होती हैं थर्टी थर्टीन की डायमंड और हार्ट इस तरह ब्लैक की आगे दो टाइप्स बन जाती हैं क्लब एंड स्पैट क्लब का जो होता है वो इस तरह करके इसका बना होता है बाकी आप वीडियो खोल के जो नेट पर गूगल पे भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा इस तरह का होता है इसको जो होता है ना क्लब क्लब को चिड़ी भी बोलते हैं इस तरह स्पैड स्पैड को उर्दू में या ऐसे आम लैंग्वेज में हुक्म हुक्म का पत्ता भी बोलते हैं और इसका थोड़ा सा इस टाइप का होता है नीचे से ये हार्ड तरह का ही होता है कुछ इस टाइप का होता है ये अंदर से फिल होता है ये तो ये हो गया अब इसके चार सेट बन गए टोटल 52 के चार सेट बनते हैं पहले दो होते हैं रेड और ब्लैक के जो रेड वाले होते हैं उसमें डायमंड और हार्ट ब्लैक में क्लब और स्पैड अब जो 13 13 के है इसके भी आगे इसकी इसके अंदर कुछ टाइप्स होती हैं उसको जरा हम करते हैं जो थर्टीन कार्ड होते हैं इसमें से लेके थर्टीन तक टोटल नंबर होते हैं ठीक है ना से लेकर थर्टीन तक इसमें नंबर होते हैं वन से थर्टीन तक यहाँ पे भी इसमें से लेकर थर्टीन तक इसमें से लेकर थर्टीन तक अब इसमें जो एक हम एक की बात कर रहे हैं इसके अंदर एक किंग होता है और एक इसमें कोइन होता है क्वीन का पत्ता होता है वैसे ये ना कहना क्वीन होती है और एक इसमें गैक होता है और एक इसमें ऐस का पत्ता होता है ए से ठीक हो गया इसको एक का भी बोलते हैं एक का क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका नंबर वन होता है जब हम मैंने जैसा भी बताया कि ये टोटल जो थर्टीन पत्ते होते हैं ना इसका मतलब होता है कि ये वन से ले कर थर्टीन तक नंबर लिखे होते हैं ये हर एक में इसमें भी ऐसे इसमें सारों में ऐसे होते हैं इसमें जो एस का नंबर होता है ना वो नंबर इसका वन होता है इसका नंबर वन होता है और जो जैक होता है इसका नंबर अलेवन होता है इसका ट्वेल्व होता है क्वीन का और किंग का थर्टीन नंबर होता है यानी वन अलेवन टवेल्व थर्टीन ये होते हैं बाकी इसके अलावा टू से लेकर टेन तक वो दूसरे पत्ते होते हैं तो इस तरह करके ये टोटल बनते हैं टू से लेकर टेन तक नाइन ये टेन अलेवन थर्टीन और आ, ये ना बनते हैं टू से लेकर टेन तक बनते तो नाइन और फोर ये थर्टीन तो थर् तो हर ग्रुप में थर्टीन होती है तो हर ग्रुप के अंदर यही इनकी तरतीब होती है इसका मतलब ये हुआ एक ग्रुप के अंदर एक किंग होता है एक ही क्वीन होती है एक जैक होता है और एक ही एस होता है हर एक के अंदर ऐसे होता है तो टोटल चारों ग्रुपों में टोटल कितने क्वीन बनेंगे ये किंग बनेंगे एक किंग इसमें एक किंग इसमें एक इसमें एक इसमें टोटल चार किंग होंगे लेकिन एक ग्रुप के अंदर एक ही होगा तो टोटल किंग कितने बनते हैं फोर इसी तरह टोटल जो क्वीन है हर एक ही एक है ना एक ही इसके अंदर इसी तो टोटल क्वींस कितनी होगी वो भी फ़ोर हो जाती हैं इसी तरह जो टोटल जैक हैं वो भी फोर हो जाते हैं इसी तरह टोटल जो एस हैं वो भी जो एस है ये भी फोर हो जाते हैं तो इसी तरह इस चारों जो ग्रुप हैं इन चारों ग्रुप्स के अंदर किंग क्वीन और जैक इनको फेस कार्ड भी बोलते हैं फेस कार्ड तो फेस कार्ड एक ग्रुप में जो होते हैं वो तीन होते हैं लेकिन चारों ग्रुपों में टोटल ये ट्वेल्व बनते हैं ट्वेल्व फेस कार्ड होते हैं टोटल फिफ्टी टू कार्ड्स के अंदर कुछ बुक्स के अंदर फेस कार्ड को पिक्चर कार्ड भी कहा गया है तो अगर पिक्चर कार्ड भी आते आएँ तो आपको तो 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 पता होना चाहिए कि पिक्चर कार्ड एक ग्रुप के अंदर कितने होते हैं और चारों ग्रुप्स के अंदर टोटल पिक्चर कार्ड कितने हो तो अब तो इसमें जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो और डिवाइड बाय होते हैं टोटल नंबर्स ऑफ़ यानी कि नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल जो आउटकम्स वो ऐसा ना भी समझ आए तो जिसमें जो टोटल नंबर्स होते हैं वो और जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उनकी तादाद ऊपर उनको डिवाइड कर दें अगर डिवाइड हो सकता है तो नहीं तो वही उसका आंसर हो जाता है और ये कुछ क्वेश्चन करते हैं जिन्होंने क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन कर लें ये वाले समझ लें अगर आपने अपने क्वेश्चन करने, करने हैं तो ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो इसके मुताबिक आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ किंग ऑफ हार्ट हार्ट के अंदर कितने किंग होते हैं जैसे मैंने बताया था कि एक ग्रुप के अंदर ये एक एक ही होता है ठीक हो गया तो ये चार ग्रुप थे तो चारों के अंदर चार थे लेकिन एक ग्रुप के अंदर एक ही किंग होता है एक ही क्वीन एक ही जैक और एक ही एस तो आइए किंग्स की हार्ट के अंदर जो किंग्स हैं उनकी प्रॉबलिटी हमने फाइंड तो इसके अंदर क्योंकि टोटल जो कार्ड होते हैं वो फिफ्टी टू होते हैं और जो हार्ट के अंदर किंग है वो एक ही होता है तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होता तो यही इसकी प्रॉबिलिटी है वन ओवर फिफ्टी नेक्स्ट है प्रॉबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 सिक्स सेट होते हैं 26 ब्लैक होते हैं तो ब्लैक की 26 सिक्स हैं तो 26 सिक्स डिवाइड बाई टोटल कार्ड डिवाइड टोटल से ही करना होता है जब प्रॉबलिटी फ़ाइन करनी है तो ब्लैक कार्ड की ब्लैक कार्ड की प्रॉबलिटी फाइन करनी है. तो ब्लैक कार्ड टोटल 26 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड वो है फिफ्टी तो ये दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं 26 सिक्स वन दा ट्वेंटी सिक्स टू दा तो वन बाय टू वन बाई टू इसका आंसर आ जाएगा ये ट्वेंटी सिक्स के टेबल से काट हो रहे हैं ट्वेंटी सिक्स वन था ट्वेंटी सिक्स टू था तो वन बाई टू इसका आंसर आ गया नेक्स्ट आ गया, गया जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आ स्पेड स्पेड कार्ड कितने तो जब हमने डिटेल से पढ़ा था तो इसकी जो मज़ीद जो चार टाइप थी उसमें स्पेड कार्ड भी आया था स्पेड कार्ड थे थर्टीन तो थर्टीन डिवाइड बाय टोटल तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो स्पेड जो कार्ड की तादाद है वो थर्टीन होती है टोटल फिफ्टी टू अब ये थर्टीन के टेबल से काट हो रहे हैं थर्टीन वन द थर्टीन फोर द वन बाय फोर इसका ये प्रोबेबिलिटी का आंसर नेक्स्ट पार्ट है एन एस ऑफ डायमंड डायमंड तो के अंदर एस कितने होते हैं जैसा कि बताया था कि हर ग्रुप के अंदर ये एक एक ही होता है तो डायमंड के अंदर भी जो, ए, जो ए, एस है ये एक ही होगा तो इसलिए मतलब वन बाय थर्टी फिफ्टी टू टोटल फिफ्टी टू हैं तो वन बाई फिफ्टी अगर तो उन्होंने सिर्फ एन एस कार्ड कहा होता फिर तो चार ग्रुप थे चारों में चार होने थे लेकिन उन्होंने सिर्फ डायमंड में कहा है तो डायमंड के अंदर एक ही होता है एक ग्रुप के अंदर एक ही एस होता है एक ही किंग होता है एक ही क्वीन होता है तो टोटल कार्ड है फिफ्टी टू तो इसकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी वन ओवर फिफ्टी टू नेक्स्ट आ रहा है आप पिक्चर कार्ड पिक्चर कार्ड को फेस कार्ड भी कहते हैं तो इन सारे फिफ्टी टू कार्ड्स के अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं तो इसकी जब डिटेल मैंने बताई थी मैंने बताया था एक एक इनके अंदर होता है यानी कि एक किंग ये सारे होते हैं ना तो तीन होते हैं एक ग्रुप के अंदर तीन होते हैं तो टोटल चार ये होते हैं चार किंग होते हैं चार क्वीन और चार जैक तो टोटल इसके अंदर चारों के अंदर टोटल मानते हैं ट्वेल्व ट्वेल्व पिक्चर कार्ड होते हैं तो अब हम इसकी ट्वेल्व के साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड कर इसकी डिटेल मैंने बताई हुई है चार ही किंग होते हैं सारों में एक एक किंग होता है ना चार किंग होते हैं चार ही क्वीन और चार ही जैक तो टोटल ये ट्वेल्व कार्ड बनते हैं जो फेस कार्ड भी बोलते हैं या पिक्चर कार्ड जिनको कहते हैं इसको ऊपर पिक्चर बनी होती है इसका हो जाएगा टोटल जो पिक्चर कार्ड है वो ट्वेल्व है तो टोटल नंबर्स ऑफ जो कार्ड है वो है फिफ्टी टू तो ये हम देख लेंगे कि अगर किसी सेम टेबल से ये कट हो रहे हैं तो हम इनको कट कर लेंगे अगर नहीं कट हो रहे होंगे तो नहीं काटेंगे तो ये ये काट हो रहे हैं फोर के टेबल से तो फोर वन था और फोर थ्री था फोर थ्री था ट्वेल्व फोर वन था फोर थ्री था थ्री, थ्री ओवर थर्टीन ये इसका इसकी प्रॉबलिटी आ गई नेक्स्ट आ रहा है आ क्वीन ऑफ क्लब क्लब के अंदर क्वीन कितनी है हर जो इसकी टाइप्स थी उसके अंदर एक के क्वीन थी इसका आंसर तो क्वीन क्योंकि उसके क्लाब के अंदर एक ही होती है टोटल कार्ड है 52 तो वन ओवर 52 इसके प्रोबेबिलिटी का तो ये मैं दोबारा सामने लेके आया हूँ मैंने बताया था ना हर एक के अंदर एक एक ही क्वीन होती है तो अगर उन्होंने क्लाब का पूछा तो क्लाब के अंदर भी एक ही क्वीन होती है तो इस तरह अगर ये कन्सैप्ट आपको अच्छी तरह समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें अगर ये वाला आपको कन्सेप्ट आता होगा तो आपको क्वेश्चन जिस टाइप का मर्ज़ी आ जाए तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो